आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 11 हम लोग देखेंगे मैथ पेपर का। तो चलिए 11 है 12 सेट नंबर कौन सा 12 का हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 36 में आपसे बोला जा रहा है क्या कि 76,950 रुपीज को पंडित कैदी राजा और सिपाही के बीच इस तरह से बांटना है कि पंडित के हिस्से का 3 गुना, पंडित का हिस्से का पी से डिनोट करते हैं इसको, इसको डिनोट कर रहे हैं पी से, इसको के से, इसको आर से और इसको एस से। तो पंडित का कितना 3 गुना, तो 3p इक्वल टू कैदी का हिस्से का 4 गुना, तो 4k इक्वल टू राजा का हिस्से का 5 गुना, तो 5r इक्वल टू सिपाही का 6 गुना, तो 6s। तो p k r s, ठीक है। इसका हम लोग रेशियो अगर निकालते हैं तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के निकालना, तो 5 × 15 = 6 कितना होता है 90। आर का निकाले हैं तो 12 × 6 कितना होता है 72। एस का निकालेंगे तो 20 = 60 हो जाएगा, ठीक है। 6 से काटते हैं तो 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 15 = 6 90। 8 6 से काटेंगे तो कितना 12 × 6 = 72 होता है और 10 हो जाएगा, ठीक है। यही रेशियो आया, तो सबको जोड़ेंगे तो 20 × 20 = 40 × 10 = 50 = 57 आपका दिया गया है 76950। तो 1 × 10 = आपका कितना 1। आपको किसका निकालना है, तो कैदी का, के का निकालना है, ठीक है, के का निकालना है, ठीक है। तो आपको 1 रेशियो बराबर कितना, एक बार में लगाएंगे तो 57 आ जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा तो 962, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना 36 नंबर है ना, तो डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 रेशियो बराबर आपका, यहां पर देखिए ना, डिवाइड कर लेते हैं एक मिनट। तो देखिए यहां पर कैदी के निकालना है ना, तो कैदी का पार्ट कितना हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा 15 / टोटल जोड़े तो 57 पार्ट होगा। तो आंसर डायरेक्ट यहां पर निकालेंगे कितना हो जाएगा 15 / कितना 57 * आपको कितना है 76950। तो 19 × 3 काटेंगे और 19 × 4 हो जाएगा 0, 19 + 95 0 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, गुना करेंगे 0 × 5 = 25 और 5 × 20, यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ए में आपको दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आपसे कहा जा रहा कि अनिल 2 लाख के साथ व्यापार शुरू करता है, 3 महीने के पश्चात 4,000 रुपए के साथ विनोद भी उसके साथ आ गया। सिमरन ने व्यापार में 10 लाख रुपए के साथ केवल 2 महीने के लिए आया है, तो वर्ष के अंत में टोटल 5,60,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो सिमरन को कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसमें है कौन कौन, अनिल कितना इन्वेस्ट किया, तो 2 लाख किया है, कितना 2 लाख किया है। उसके बाद में अनिल व्यापार शुरू करता है, 3 महीने के पश्चात विनोद भी आता है 4 लाख रुपए के साथ, तो ये कितना 12 महीना तक रहा, 3 महीने के बाद आया 9 महीना तक। और कौन है, सिमरन जो है आपको 10 लाख के साथ 2 महीने के लिए आया है, ठीक है। तो 5-0 यहां पर भी 5-0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 काट देते हैं, तो 4 काटेंगे तो 3, तो 6 आया यहां पर, 4 काट दिए तो कितना 9 आया।
यहां पर दो और यहां पर पांच, तो पांच, तो सीमेंट का पार्ट कितना होगा, पांच बटा टोटल कितना हो जाएगा, तो बीस, पांच बटा बीस मतलब एक बटा कितना हो गया, चार। तो आंसर यही आपको देना है कि इसको कितना टोटल प्रॉफिट का मिल जाएगा, कितना, तो एक बटा चार थाई हिस्सा। तो चार एकम चार, चार को सोलह, पर कितना जीरो, चार जीरो आपको आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 में कहा जा रहा कि एक त्रिकोण के तीन कोण, ठीक है, तीन कोण कहा जा रहा कि कोण ए है, कोण बी और कोण सी, त्रिभुज के तीन कोण। तो कहा जा रहा कि सबसे छोटा कोण से, इस सबसे छोटा मानते हैं, सबसे छोटा कोण से दुगुना है एक कोण, अगर एक्स है तो ये कितना होगा, टू एक्स होगा। अब फिर कहा जा रहा है कि सबसे दूसरा सबसे छोटा कोण से तीन गुना है, तो ये 3x हो जाएगा, ये छोटा है तो 3x हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x। तो कहा जाए सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करें, तो जोड़ेंगे तो 6x बराबर कितना, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना, 30। तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करना है, तो x से बराबर कितना हो गया, 30, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। कहा जा रहा कि तीन नली ए बी सी जो 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं, ए जो है कितना 12 घंटा लेता है, बी जो है 15 घंटा लेता है, सी जो है 20 घंटा लेता है, तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो वर्क डन आपका आ जाएगा 60, ये 4 और कितना 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ए जो है हमेशा खुला रहता है, बी और सी एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाता है, मतलब ए के साथ पहले काम करेगा क्या, बी, उसके बाद में ए के साथ काम करेगा कौन, सी, अल्टरनेट उसी तरह से काम होता रहेगा, तो दो घंटा का काम है ये एक घंटा, ये भी एक घंटा, मतलब दो घंटा का काम, तो ये काम करेगा पांच, ये कितना चार, ये पांच और कितना तीन, तो नौ और आठ सत्रह काम, सत्रह काम करने में दो घंटा का टाइम लगता है, टोटल काम है कितना, तो टोटल काम आपको 60 है, तो इसलिए तीन से गुना, यहां पर भी तीन से गुना, तो 17 51, ये कितना 6 घंटा। उसके बाद जो आएगा कौन आएगा, ए और बी, नौ काम करेगा एक घंटा में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 7 घंटा में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में कहा जा रहा कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 हिस्सा बस द्वारा, 1/3 हिस्सा ट्रेन द्वारा, शेष 4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो पूरी यात्रा कितनी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि टोटल यात्रा मान लेते हैं कितना x था, तो x का कितना 2/5 जो है ये किससे जाता है, तो बस से, ठीक है। वो x का कितना 3/5 जो है ट्रेन से, रेलगाड़ी से, ठीक है, शेष पैदल चलता है, तो टोटल वो चला कितना, 3 × 6 = 6 5 = 11, 6 5 कितना हो गया 11 x बटा कितना 15, तो शेष काम, शेष जो है बचा दूरी, शेष दूरी कितना हो जाएगा, तो x माइनस 11 x बटा कितना 15, मतलब 4 x बटा कितना 15, कितना 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर, ऑप्शन कौन सा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में कहा जा रहा कि 60 क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 600 जो है 30% बटा और समान राशि पर 26% फिर 4% की क्रमिक बटा देने का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला जो दे रहा है वो पहला जो दे रहा है 30%,
ठीक है, दूसरा का दे रहा है 26% और प्लस कितना 4%, और प्लस कितना 4%। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो प्लस हो जाएगा 26 × 4 / कितना 100%। तो ये 30% माइनस में और प्लस आपको हो जाएगा छोटो को 24 × 2 = 8 × 2 = 10, मतलब कितना 1.7। इसके दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर जो आएगा, इसमें अंतर जो आएगा, अंतर कितना आ जाएगा, तो 1.04% आएगा। तो यही आपको आंसर पूछा जा रहा है। तो आंसर में जो आएगा कितना का अंतर आएगा, तो 600 कितना परसेंटेज का अंतर आ रहा था, तो 1.04 / कितना हो जाएगा 100। एक और पॉइंट को हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। गुना करेंगे 6 × 24, मतलब इतना रुपया, 6 रुपया 24 पैसा का अंतर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में कहा जा रहा कि यदि एक पत्ते को, मतलब ताश का पत्ता टोटल कितना होता है 52 में, एक पैक से निकालने पर लाल पान की रानी, मतलब एगो होगा रानी, अथवा चिड़िया का बच्चा, तो एगो होगा, ठीक है। तो प्रयोगता कितना होता है, तो 2 / कितना होगा 52, मतलब कितना हो जाएगा 1/26, 1/26, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो आपका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। एक त्रिभुज है जो XYZ, एक त्रिभुज है XYZ जो कि Y पर समकोण बनाता है, Y पर क्या, समकोण बनाता है, ठीक है। तो Y हो गया, X हो गया, यहां पर Z मान लेते हैं। अब कहा जा रहा कि O और P XY पर क्या है, XY पर क्या है, बिंदु O है, और YZ पर P है, ठीक है। बात समझ में, तो ये क्या है, मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये भी क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो अपने मन से क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि यहां पर ये कितना है, तो ये मान लेते हैं 8 है, इसको मान लेते हैं कितना 6 मान लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा 10 आएगा, ट्रिपलेट से इजी रहेगा, अपने मन से मान लीजिए। तो मध्य बिंदु है तो ये 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक्स पी यहां से यहां तक, तो ये अगर 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना 3 होगा, और ये टोटल कितना होगा, तो 8 होगा, ठीक है। इसलिए XP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 64 + 9 = 73 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर OZ, तो इसके लिए ये 4 है और ये कितना है 6 है, मतलब OZ जब निकालिएगा स्क्वायर, तो 4 + 6 = 36, मतलब 16 + कितना होगा 36, 52, ठीक है 52। तो यहां पर 4 और प्लस यहां पर XP का वैल्यू कितना है 73 प्लस ये कितना 52, दैट मीन 4 × कितना हो जाएगा, तो 5 और कितना हो जाएगा 13, गुना करेंगे तो 5 × 2 = 20, 2 = 12, 2 = 14, कैरी 1 × 4 = 5, इतना आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में देख रहे हैं कि XZ का, तो मतलब इसका XZ का स्क्वायर जो आएगा वो कितना 10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100,
कहां पर गड़बड़ हो गया, 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, 100 जो होगा वहां पर 5 12, यहां पर गलती है 25, तो यहां पर जो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, गुना करेंगे कितना होगा 500 हो जाएगा, कितना 500, ठीक है। तो 100 है तो कितना से गुना करना होगा, तो 5 से गुना करेंगे तब जाकर होगा, तो मतलब 5 गुने ये क्या है एक्स जेड के स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन होगा एक्स जेड आपका स्क्वायर मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो अपने मन से टिपलेट आपको लेकर चलना है, तो जल्दी में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह का आपको फाइंड आउट कीजिएगा तो एक्स वाई जेड आपको लिखने में कभी क्या हो जाता है दिक्कत हो जाता है, इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ सब्टूज कर लीजिए जो टिपलेट पर रहे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा जल्दी में, चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में कहा जाए कक्षा में कुल कुछ बेंच है, बेंच जो कहा जा रहा है कुछ है तो एक्स मान लेते हैं, यदि हर बेंच पर छात्र 4 बैठता है तो 3 बेंच खाली रह जाता है, ठीक है। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको 3 बेंच खाली हो जाता है, मतलब बेंच की संख्या एक्स है तो एक्स माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, एक बेंच पर कितना बैठता है 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो छात्रों की संख्या आ जाएगी। एक बेंच पर 3 बैठे तो 3 छात्र बैठने की जगह नहीं मिलती है, मतलब 3 छात्र क्या हो जाता है एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू में अगर एक बेंच पर कितना बैठे 3 छात्र, तो 3 को क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 12, 3x प्लस कितना हो जाएगा 3, घटा देंगे तो x हो गया 15, बेंचों की संख्या कितना आ जाएगी 15, तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट है, तो इसलिए संख्या संख्या जो आएगा किसी एक में पुट कर लीजिए, किसी एक में आप पुट कर लीजिए, इसी में पुट कर लेते हैं, तो 15 माइनस 3 अगुने कितना हो जाएगा 4, तो 12 गुने 4 कितना हो जाएगा 48, स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगी तो 48, क्लियर है, या इसमें भी पुट कीजिएगा तभी भी आ जाएगा 15 गुने 3 प्लस कितना 3, 15 या 45, 3 कितना, इस पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कहा जा रहा कि राधा की गणित परीक्षा में 150 प्रश्न अर्थात 20 अंक अंकगणित से, 20 जो है अंकगणित से, 20 जो अंकगणित से टोटल 150 क्वेश्चन था, जिसमें मैथ का क्वेश्चन था 20 को, अलजेब्रा से था कितना 60 को, और ज्योमेट्री से था कितना 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो अंकगणित से कितना क्वेश्चन सोल्व किया गया, तो 70% अगर निकालेंगे तो 14 क्वेश्चन, 40% अलजेब्रा से तो 24 क्वेश्चन, और 60% सही किया गया ज्योमेट्री से तो 42, टोटल को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 है 2 10 कैरी 1 हो गया, तो 6 7 1 8, 80 क्वेश्चन को क्या किए सही किए, लेकिन क्वेश्चन में कहा जाएगा कि न्यूनतम कितना सही होना चाहिए 70%, तो इसका 70% निकालेंगे तो कितना 105, तो कितना कम और है, कितना और कम है तो 20 वो क्वेश्चन और हम लोग सही कर दें तो पास हो जाएंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लॉग से है, लॉग 2 का वैल्यू आपको दिया गया, लॉग 3 का भी वैल्यू दिया गया है, तो लॉग इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, लॉग यहां पर 10 है 1.5, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग
टेन, पंद्रह बटा कितना, पंद्रह बटा दस, पंद्रह बटा दस, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि दो और तीन के रूप में दिया गया, इसलिए गुना कर देते हैं यहां पर दो से, और नीचे भी गुना कर देते हैं दो से, ठीक है। तो दो के फॉर्मेट में आपको आ जाएगा पंद्रह दुना तीस, ठीक है, पंद्रह दुना तीस और बीस आ जाएगा। तो यहां पर लॉग कितना हो जाएगा, तीस, और बटा लॉग कितना हो जाएगा, बीस हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो लॉग कितना, तीस तीन गुने दस, अब माइनस लॉग दो गुने कितना, दस। तो इसको लिखेंगे तो लॉग तीन प्लस लॉग कितना, दस, अब माइनस लॉग टू प्लस लॉग कितना, दस। यहां पर लॉग तीन का वैल्यू दे रहा है, लॉग तीन का वैल्यू कितना, 0.4771। और लॉग टेन का वैल्यू कितना आएगा, 1, माइनस लॉग टू का वैल्यू 0.3010 दे रहा है, अब प्लस कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो देखिए, तो ये प्लस 1 है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आंसर जो आएगा 0.4771, मतलब 0 आपको घटाना होगा, 0010 घटा देंगे तो 1671.0, यही आपका आंसर आएगा, कितना, 01761, ऑप्शन कौन सा, ए। आया बात समझ में, सिक्स नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि यदि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड उसकी माध्यिका जेड एम, एक त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज है, कहा जा रहा कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो ZM और YN माध्यिका है, ये M हो गया, ये क्या हो गया, N हो गया, ठीक है, जो O बिंदु पर कट करता है, कहां पर कट करता है, O बिंदु पर। तो कहा गया कि त्रिभुज OMN, ये त्रिभुज XYZ का कितना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कीजिए कि मध्य बिंदु ये भी है, तो यहां पर भी क्या चीज कर दीजिए, मध्य बिंदु लेकर इसको मिला दीजिए, ठीक है, मध्य बिंदु ले लिए, मिला दिए, तो ये अगर 1 है तो आप लोग जानते हैं कि इसको मिला देंगे ऐसे ऐसे, तो ये अगर 1 है तो ये भी कितना होगा, 1, ये भी कितना हो जाएगा, 1, मतलब टोटल ये कितना हो गया, टोटल हो गया 3, टोटल 3, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो अगर ये 1 अगर है तो एक्स वाई जेड कितना हो गया, 3 3 3 3, कितना हो जाएगा, 12, 1:12, ऑप्शन कौन सा, ए, ठीक है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो ऐसे ही शॉर्टकट आपको मानना है। इसका आपका कहा जा रहा कि क्वेश्चन में इसका किसके बराबर होगा, तो 2 साइन स्क्वायर बी माइनस 1 है, तो साइन स्क्वायर बी, ठीक है, चाहे हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 साइन स्क्वायर बी, तो 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस क्या, कॉस स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। तो यहां पर इसको अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करते हैं, यहां पर गुना कर देते हैं, ठीक है, 1 बाई साइन बी इंटू कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं, अब गुना कर देते हैं साइन बी इंटू कॉस बी से, कोई दिक्कत। तो साइन बी इंटू कॉस बी, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये कैंसिल होगा इससे, तो कितना हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा।
अब माइनस कोस कोस कैंसिल हो जाएगा तो कॉट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही आपका आंसर में दिया जा रहा है, माइनस में ऑप्शन कौन सा, सी। या आपको अपने मन से क्या कीजिए कि बी का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, या हीट एंड टेल मेथड से भी बना सकते हैं। बी इक्वल टू मान रहे हैं कितना, 45 डिग्री, तो 2 × √2 का क्या स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कैंसिल, 0 आएगा वैल्यू। तो यहां पर आपको 45 पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे तो 1 √2 और 1 √2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 1 / 2, 0 आ रहा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये कितना देगा, 1 देगा, ये भी नहीं होगा। 45 पुट करेंगे तो यहां पर 1, यहां पर 1, यही एक 0 होगा, बाकी कुछ भी 0 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा, सी। हीट एंड टायल मेथड से आप भी बना सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा है, एक समानांतर चतुर्भुज में आसन भुजाएं की लंबाई क्रमशः 4 और 8 दे रहा है, समानांतर कितना दे रहा, 4 और कितना 8 दे रहा। ठीक है, ये 8 दे रहा है, ये कितना दे रहा, 4 दे रहा। ठीक है, एक विकर्ण आपको दे रहा 12, तो अन्य विकर्ण निकालना है। एक विकर्ण कितना दे रहा 12, तो दूसरा का विकर्ण आपको निकालना कि कितना होगा। तो प्रॉपर्टी जान लीजिए इसका, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि कोई समानांतर अगर है, ये ए है, ये क्या है बी है, ये डी वन है और ये क्या है डी टू अगर है, तो आपका होता है क्या कि 2a² + क्या होता है b² = d1² + क्या होता है d2² इसको याद रखना है। तो ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा, 8² + 4² = कितना, 12² + d² तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना 64, ये कितना हो जाएगा 16, चाचू को 16, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 80, 2 × कितना हो जाएगा 80, मतलब 100 कितना हो जाएगा 160, 160 − 144 = d² तो d² = कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो d = कितना 4 तो 4 ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, d = कितना हो जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, इसका थ्योरम आपको याद रखना होगा। ठीक है, थ्योरम अगर याद है तो बहुत जल्दी में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। 70 में कहा जाए 1 से 50 तक कितने अंक है जिसमें प्रत्येक का न केवल 4 से बिल्कुल विभाज्य हो परंतु एक अंक 4 भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो 4 हो गया और कितना 24 और 34 आपको 24 4 से और कौन कौन डिविजिबल होता है, तो 14 तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में 24 हो गया, 34 नहीं होगा, 44 भी हो जाएगा 4 से डिविजिबल। ठीक है, इसमें न केवल 4 से विभाजित हो बल्कि इसमें किंतु एक अंक 4 भी शामिल हो, एक अंक 4 भी इसमें शामिल हो। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 44 और कितना 48 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन कौन सा, ए। इसमें कोई आपको इसी तरह से काउंट करके आपको लिखना है, इसमें कोई इसका रूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अमित ने सुनीता से कहा कि अलीगढ़ तक से 100 किलोमीटर से अधिक 15 किलोमीटर से क्या है, कम है उसका डिस्टेंस, सॉरी 10 किलोमीटर से क्या है अधिक है और 15 किलोमीटर से क्या है कम है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, 15 से क्या है कम है। फिर कहा जाता है सुनीता ने जानती है कि 12 किलोमीटर से अधिक, 12 किलोमीटर से क्या अधिक, लेकिन 14 किलोमीटर से क्या कम,
तो बीच में बचा कौन? 13। यही ना आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में आपसे कहा जा रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन में, कि चार क्रिकेटर गेंद का मूल्य, क्रिकेट गेंद का मूल्य इसको ए मानते हैं, क्रिकेट गेंद का मूल को ए मानते हैं, तो 4A इक्वल टू इसको बी मानते हैं, दू जोड़े लैंड का पैंड का मूल जो दिया है, पैड का मूल जो दे रहा है, दू बी के बराबर है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि चार जोड़े पैड का मूल 4B, दू जोड़े ग्लव्स का, तो दू जोड़े ग्लव्स का मूल्य, चार जोड़े ग्लव्स का मूल्य, फिर कहा गया चार जोड़े इसको सी, तो चार जोड़े ग्लव्स का मूल्य, दो जोड़े बल्ले का मूल्य, दो जोड़े बल्ले का मूल्य क्या है? बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहां पर ए इज टू बी अगर लिखेंगे तो यहां पर 2:2 कितना? 4। बी इज टू सी लिखेंगे तो 2:2 कितना? 4। और सी इज टू ए लिखेंगे तो 2:2 कितना? 4। तो हम लोग को रेशियो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है, सी तक ही है, चलिए सी तक निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसका रेशियो काटेंगे तो 1:2। ठीक है, 1:2। तो देखिए, तो अगर यहां पर बी दोनों में कॉमन है 2:2, तो इसका 1 इसका 2 और सी का कितना हो जाएगा? 4। देखिए, तो सी और ए का, सी और ए का इसका रेशियो काटेंगे तो 1:2। आपको सी का अगर गेंद है बल्ले का मूल ये डी मानना पड़ेगा, सॉरी यहां पर डी, यही चीज थोड़ा सा मानने में दिक्कत हो सकता है, यहां पर क्या है? डी। तो सी इज टू डी कितना? 2:4। तो C को अगर 4 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो D का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, रेशियो निकल गया। अब कहा जा रहा कि एक क्रिकेट बल्ले का यहां पर था, क्रिकेट बल्ले का दाम कितना? 64 रुपया, 64 है। तो क्रिकेट गेंद का मूल, गेंद का मतलब कौन? A का वैल्यू निकालना है। गेंद का मूल कितना? 8 से गुना हुआ, तो यहां पर भी कितना? 8 से गुना, कितना रुपया हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। वेरी सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, रेशियो में खाली कन्वर्ट करना है। नाम ऐसे लिख दिया है ना कि रेशियो में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो नाम अपने से अज्यूम कर बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, 73 में कहा गया एक नाव आदमी जो है नाव की अनुप्रवाह 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। अनुप्रवाह मतलब आपको SB+SW 15/2.5 घंटे में, मतलब 2.5 पॉइंट हटेगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब माइनस में जाएगा 12 किलोमीटर जाता है कितना? 4 घंटा में, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा जाए धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल मतलब SW निकालना, तो आपको पता है 6 - 3/2 मतलब कितना? 1.5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर, मतलब कितना आ जाएगा? 3/2। 1.5 का मतलब कितना होता है? 3/2। ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 में, आपसे कहा जाए एक लकड़ी की लाठी की लंबाई उसकी छाया का अनुपात कितना है? छाया का अनुपात √3 है। ये अगर 1 है तो इसका लंबाई कितना? छाया ये है, ये क्या है? छाया है। इधर से सन रहेगा तो ऐसे ही ना जाएगा प्रकाश, तो ये क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो ये 1 है तो ये √3, तो ये कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या? 3/1 मतलब कितना? tan 60, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। कौन सा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
77 में कहा जाकर दो धनात्मक पूर्ण के बीच का अंतर 4 है तो उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्या है ठीक है, उनका कहा जा रहा कि बीच का अंतर जो दे रहा है कितना है 4 है ठीक है, उनका वर्गों का योग कितना तो 2 मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 4 और उनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 296 है ठीक है। तो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, संख्याओं का योग तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चाहे यहां पर हम लोग एक चीज करें x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये कितना 4 के स्क्वायर इक्वल टू 296 माइनस 2xy ठीक है, तो 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 296 माइनस 16 दैट मीन 280 ठीक है। तो हम लोग को x प्लस वाई योग निकालना है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर कितना हो जाएगा तो x प्लस x माइनस, यहां पर देखिए इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy होगा, तो x प्लस y इक्वल टू कितना रूट अंडर इसका वैल्यू हम लोग के पास है 296 प्लस 2xy का वैल्यू हम लोग को कितना निकालना 280, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 675 दैट मीन्स कितना 24, यो कितना 24 ठीक है। फॉर्मूला बेस पर है, फॉर्मूला बेस से आपको बनाना है। 78 कहा जाए कमरे में 8 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े एक फर्श के 30 सेंटीमीटर चौड़े कालीन कितनी लंबाई आवश्यकता होगी ठीक है, तो क्षेत्रफल आपका यहां पर कितना होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल कितना 8000 गुने, अच्छा मीटर में आंसर देना है तो 8 गुने कितना आएगा 15 इक्वल टू 0.3 इंटू ये क्या है 100 से डिवाइड करेंगे इंटू क्या होगा L ठीक है, तो L इक्वल टू 8 इंटू कितना 15 बाई 0.3, पॉइंट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 5 होगा, 8 पचे 40 मतलब 400 मीटर, ऑप्शन कौन सा A ठीक है। कुछ दोस्त ने पिकनिक जाने वाले निश्चित किया, भोजन पर 960 रुपया खर्च करने का योजना बनाया, 900 कितना 60 रुपया भोजन पर योजना बनाता है कि इतना रुपया हम लोग खर्च करेंगे, लेकिन उनमें से 4 दोस्त पिकनिक नहीं गए, 4 दोस्त पिकनिक पर नहीं गए। मान लीजिए कि एक्स दोस्त पिकनिक पर था लेकिन गया दोस्त पिकनिक पर कितना x माइनस कितना 4 पिकनिक पर गया ठीक है, तो कहा जाए कि चार प्रत्येक को 40 रुपया अधिक देना पड़ रहा है, प्रत्येक को 40 रुपया अधिक देना पड़ रहा है, मतलब टोटल पैसा था 960 तो x माइनस 4 माइनस 960 बटा x इक्वल टू कितना 40, प्रत्येक का निकालने के लिए जितना स्टूडेंट रहेगा उससे क्या करेंगे डिवाइड, इसी को सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर बाई ऑप्शन से चलेंगे, बाई ऑप्शन से हम लोग अगर चेक करते हैं तो जल्दी में आपका बन जाएगा, बाई ऑप्शन से चेक करेंगे तो जल्दी से आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन पुट करते हैं ठीक है, तो 960 अगर 8 पुट करते हैं तो यहां पर 4 माइनस 960 डिवाइड बाई कितना तो 8, तो अगर 4 से 4 दूना चाचो को 16 ठीक है, 8 एकम 8 8 दूना 16
पिकनिक पर गए दोस्तों की संख्या, अच्छे गए दोस्तों की संख्या, सॉरी यहां पर गए दोस्तों की संख्या, एक मिनट जो पूछा गया था यहां पर कितना था, 960। यहां पर पूछा गया गए दोस्तों की संख्या कितना है, तो यहां पर ये 8 होगा, तो इसका मतलब 8 होगा यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा बे, फिर से देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल खर्च कितना, तो 960 मतलब कुल दोस्त था, कुल फ्रेंड जो था कितना था, एक्स था, गया पिकनिक पर कितना, एक्स माइनस 4, तो 960 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 960 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 40 रुपया आएगा, जो गया तो उसको कितना 40 रुपया अधिक देना पड़ रहा है पहले के कंपेरिजन में, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू अगर 8 लेकर आ रहा है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 12, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 120 माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना 80, मतलब कितना 40 फुलफिल हो रहा है ना, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चाहे ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि एक्स स्टूडेंट जो गया, ठीक है, एक्स स्टूडेंट जो है वो प्रत्येक कितना रुपया देगा, तो आपको 960 बटा एक्स, जो आपको 960 रुपया लेना है तो एक्स माइनस 4, तो ये 40 रुपया क्या होगा, अधिक होगा, तो अंतर 40 रुपया ना आएगा, इसलिए इक्वेशन से हम लोग सेट कर लिए कि 960 माइनस एक्स माइनस 4 और 960 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना 40 माइनस होगा, 40 कॉमन कर लेते हैं तो इसका इजी पड़ जाएगा थोड़ा, 40 कॉमन करेंगे तो 0 कॉमन हो गया, तो 2 4 16 बटा एक्स माइनस 4 और माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना 40 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 24 भी कॉमन कर लिए तो एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 1, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x माइनस 4x और 4 से गुणा करेंगे तो 96 इक्वल टू क्या 0, तो इसी को ब्रेक करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, तो ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, वहां पर x का वैल्यू हम लोग को क्या आ रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा, जो कि हम लोग को फंस सकते हैं, दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए बाई ऑप्शन से चलते हैं तो आंसर हम लोग को जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, कहा जा रहा कि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण दिया गया है, बाह्य कोण 60, तो उनके आंतरिक समूह कोणों कोण कितना है। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का क्या बाह्य कोण आपके पास दिया गया है, ठीक है, तो उसका सम्मुख भुजाओं का योग आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो बाह्य कोण कितना दे रहा है 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो उनका आंतरिक सम्मुख कोण, तो ये भी कितना होगा 60, ये जितना होता है उतना ही ये भी होता है, तो आंसर कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड भुजा एक्स वाई एक्स जेड पर दो बिंदु एम और एन इस प्रकार है कि ए है, ए नहीं, एक्स वाई और जेड है ना, तो एक्स वाई एक्स जेड एम और एन, एम और क्या एन, ठीक है, एम एन और वाई जेड
कितना 4:9 का रेशियो है। तो कहा जा रहा कि इसका समलंब त्रिभुज एक्स एम एन ये वाला त्रिभुज और समलंब ये कहा जा रहा अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चार है, यहां पर कितना चार है, यहां पर ये कितना है चार है और ये कितना है नौ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा चार, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसका कितना 169। तो इसका एरिया 169 माइनस कितना 16 हो जाएगा, घटा देंगे तो 351। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए एक्स वाई जेड, यहां पर ये है क्या एम और क्या है एन है, ये चार आइए कितना 9। तो मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक कितना दे रहा है 4 और यहां से यहां तक कितना दे रहा है 9। तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16 होगा, कितना होगा 16 आइए कितना होगा 81। तो इसका तो 16 हो गया, ये 81 माइनस कितना होगा 16, क्योंकि टोटल एरिया 81 देगा तो टोटल 16 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 65। तो 16:65 ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सोल्व कर लेंगे। सब पर 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लीजिए, 45 अगर पुट करते हैं यहां पर 45 45 45, ठीक है 45 डिग्री, तो ये कितना वैल्यू 1 देगा, 1 बाई कितना देगा रूट 2 देगा, ये कितना रूट 2, तो रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस कितना 1, तो ये 2 और 1 कितना 3 बाई रूट 2 प्लस 1 आएगा। अब चेक करते हैं इसमें कौन सा आपका ऑप्शन क्या है सही है, वो चेक करते हैं। चलिए इसी में चेक करते हैं हम लोग, ये 45 है ये 45, तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 मतलब 2 बाई रूट 2 डेट मीन रूट 2 आएगा, जो कि इतना आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। 45 45 अगर यहां पर पुट करते हैं तो ये कितना होगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 10 45 का 1 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो कितना आएगा 2 बाई रूट 2 प्लस यहां पर रूट 2 प्लस 1 बाई कितना होगा रूट 2, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस 3 बाई कितना रूट 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई कितना रूट 2, जो कि आपका ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से यहां पर भी हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर, अब माइनस कॉमन कर देंगे तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो यहां पर बचेगा x माइनस वाई और यहां पर कितना माइनस वन, तो x माइनस वाई तो नहीं दे रहा, x माइनस वाई माइनस वन, तो ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, यहां पर पावर 1 है यहां पर 2 है, तो प्लस 2 फॉर्मूला में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो गया ये होल स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ग्राफ से है क्वेश्चन में, ग्राफ में कहा जा रहा है कि इसमें स्कूल को एनओजी और सरकारी एजेंसी में मिली धन का अंतर कितना दिया जा रहा है। ठीक है, तो एनओजी कितना 15%, सरकारी कितना, अंतर कितना हो गया 30%, तो 500 था तो 500 का कितना 30% हम लोग निकाल देंगे,
कितना आ जाएगा, 150 आएगा, 150। ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि स्कूल द्वारा स्कूल पर रख रखाव 20%, छात्रवृत्ति के लिए कुल राशि का उपयोग किया जाता है छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, तो कितना टोटल को जोड़ेंगे तो कितना 35%, कितना 35%। ठीक है, तो 35% हम लोग अगर निकालते हैं, ठीक है, 35% अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 175, मतलब 500 का कितना हम लोग 35% निकालेंगे, तो 20 कैंसिल, 100 कितना, 75। ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन जो है कहा जाए कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आपको 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन गाड़ी की लंबाई इतना है, तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, किलोमीटर पर आवर में, तो 300 और 150, 300 प्लस कितना 150 डिवाइड बाई कितना सेकंड, तो 15 सेकंड, तो 15 सेकंड आएगा, मतलब 450 बटा कितना 15 सेकंड काटेंगे तो कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आपका इसे कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट सेट में मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।